हाथरस की नाबालिग के लिए जारी है वाल्मीकि समाज का आंदोलन जुलूस निकाला, जीटी रोड पर भारी मात्रा में प्रदर्शन किया। हाथरस की नाबालिग के लिए मोर्चे और चर्चाओं का दौर जारी है, वाल्मीकि समाज का आंदोलन भी किया गया, जुलूस निकालकर जीटी रोड पर किया गया प्रदर्शन, बलात्कारियों को फांसी देने की भी मांग की गई। सरकार पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने आरोपियों की मदद करने की भरसक कोशिश की है, जाम लगाने की भी इस दौरान कोशिश की गई। आपको बता दें कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने भी हटाया। गुड़साईगंज कोतवाली क्षेत्र में हुआ वाल्मीकि समाज का जोरदार प्रदर्शन, इस दौरान भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखी गई। ये जुलूस किसने निकाले हैं आप लोग? जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? जब तक न्याय नहीं मिलेगा। क्या मांग है सरकार ने आपकी? सब मांगे तो माननी है, कोई मांग नहीं मानी है हमारी, मांग नहीं माने आए नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री भूमाफियों के खिलाफ भले ही उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ अभियान चला रहे हो, पर कानपुर देहात में आज भी भूमाफियों के हौसले बुलंद है। यही वजह है कि विकलांग युवक की जमीन पर दबंग प्रधान ने कब्जा कर लिया और विरोध करने पर विकलांग युवक को मारते पीटते हुए उसे कुल्हाड़ी से काट दिया है। सिकंदरा थाना क्षेत्र के राजस्थान में खेतों में पेड़ से लटकता हुआ युवक का शव मिला है, जिसे देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी राम राजा राम चौधरी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु उसे मेडिकल अस्पताल भेज दिया। जांच में जुटी पुलिस तो वहीं मौत की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है, साथ ही साथ शव की भी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये हम अपने खेत पे आए थे तो हम देखा ना, उन्होंने हमारे खेत जोत ले, हमने की काय जोत ले, सुन ने मैं बहुत मारूं या कुल्हाड़ी मार दे। तिवारी कॉस्ट क्यों दानो कुछ नहीं, हमें बैठा लो तिवारी है प्रधान भैया चाहते हैं हम तुम्हारे खेत जोत ले, हम निकले हैं माँ कोई माताजी पिताजी सब भैया खत्म हो गए हैं, अब हम यही बैठे सब जी बहुत खून खत्म कर रहे, खून कर रहे कोई कह रहे यहीं बैठो यहीं बैठे, तब से कम से कम डेढ़ घंटा है। सदर कोतवाली के गांव तबलापुर में मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग टीम ने गांव में चल रही अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापा मारा है। 5 लीटर स्प्रिट, 45 अमिश्रित क्वार्टर, 2050 नकली ढक्कन, 1020 खाली पौवा, 1440 लेवल कैरेमल, 400 ml और आदि बड़ी संख्या में सामान बरामद किया। आरोपी फरार, पुलिस से विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट फहीम। एसपी सिटी कार्यालय पर एसपी सिटी मुकेश कुमार मिश्रा ने वार्ता पर जानकारी देते हुए कहा कि एसपी सचिंद्र पटेल कुशल निर्देशन व उनके एवं सीओ सिटी के सफल पर्यवेक्षण में थाना उत्तर पुलिस में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 2 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया, 2 फरार हो गए हैं। बताया गया है कि मुखबिर की सूचना पर थाना उत्तर क्षेत्र NS माथुर का किराए का मकान नंबर 21 गोपाल नगर शिवाजी मार्ग से 4-5 लोग घर में छिपकर अवैध हथियारों का निर्माण कर रहे थे। मौके से घेराबंदी कर 2 अभियुक्तों जितेंद्र उर्फ पप्पन पुत्र भजन लाल मूल निवासी गांव रेसरा थाना क्षेत्र चंडोस जनपद अलीगढ़, साथ ही साथ हाल निवासी सुनील वाल्मीकि का मकान गली नंबर 12 मथुरा नगर थाना उत्तर, चंद्रकांत ओझा उर्फ विला पुत्र रामस्वरूप NS माथुर का किराए का मकान नंबर 21 गोपाल नगर शिवाजी मार्ग थाना उत्तर को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 अभियुक्त गुड्डन यादव निवासी ढोलपुर थाना लाइन पर, गुड्डू निवासी लेबर कॉलोनी थाना लाइन पर फरार हो गए हैं। बरामदगी में 6 चमचा, 315 बोर, 4 चमचा, 15 बोर, 1 राइफल, 312 बोर, 1 पिस्टल, 32 बोर, 1 अधबना तमंचा, अवैध शस्त्र बनाने में प्रयुक्त उपकरण बरामद हुआ है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक थाना उत्तर अनूप कुमार भारतीय, नरेंद्र कुमार शर्मा थाना उत्तर, महेंद्र सिंह थाना उत्तर, सचिन कुमार थाना उत्तर, जय कुमार थाना उत्तर, मलबीना खान थाना उत्तर, संघ पुलिसकर्मी साथ रहे। अवैध शस्त्र बनाकर बेचने वाले 2 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से ये 6 अदद तमंचे 315 बोर, 4 अदद तमंचे 12 बोर, 1 अदद राइफल 315 बोर और काफ़ी मात्रा में अधबने बने और पिस्टल वगैरह बरामद हुई हैं। इसमें कुछ उपकरण बरामद हुए हैं जिनसे ये असलाह बनाए जा रहे थे और आचार संहिता आपको संज्ञान में लाऊंगा कि आचार संहिता इस समय लगी हुई है, तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया सकता कि इससे आगे चल के अवैध रूप से कहीं इस्तेमाल इसका हो सकता था तमंचों का। इसमें 2 अभियुक्तगण और प्रकाश में आए हैं जिनकी सुरागरसी तलाश हम कर रहे हैं और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करके
उनकी निशानदेही से भी पर्याप्त मात्रा में असला बरामद करेंगे। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। तो प्रदेश के खबरों में वक्त हो चला है यही रुकने का। ताज़ा खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए इन 20 से न्यूज़। नमस्कार।